हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं, उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टोरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर जे एंड के एंड हरियाणा बोथ, इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाएंगे वहां 20 को और यहां 27 को, सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज, यानी एक जगह पर दो बूथ या तीन बूथ होंगे क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहां भी हम लोग यूथ पीडब्ल्यूडी वुमेन मैनेज्ड बोर्ड्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन दी इलेक्शंस। नॉट टू रिपीट, बट all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है, जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड दी ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटेशंस टू देम एट दैट प्लेस। सो इज ट्रू फॉर आर वोटर्स हैविंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates ki agar koi criminal background hai to wo lagatar website pe KYC, know your candidate app par uplabdh rahega, koi bhi dekh sakte hain ki unki koi gatividhi past mein क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज सेंट्रल एंड स्टेट्स अगेन
एज यू नो दैट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वी हैड ए सीजर ऑफ क्लोज टू 10,000 crores एंड स्पेशली मोर सो ऑफ ड्रग्स लीकर दैट सेम रिगर rather with the renewed emphasis will continue and jis din hum J&K gaye the us din sabse baat ki sabko thoda taqeed kiya aur usi din ek bada seizure bhi hua hamare samne hi so that process will continue the menace of drugs in either of these two states J&K and Haryana would be severely dealt with and similarly the liquor सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% सीसीटीवी की व्यवस्था की है और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन दैट उनको खाली निष्पक्ष रहना है लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस अप्रोच इन दिस केसेस ऑब्जर्वर्स ऑल्सो अगेन वी विल बी एम्फेसाइजिंग कि वो अपनी रहने की जगह अपना फोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें और कम से कम एक दो घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पर बैठें ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके फेक मीडिया फेक न्यूज एंड सोशल मीडिया यू आर ऑल अवेयर वी आर ऑल्सो अवेयर नाउ वी आर फार मोर इक्विप्ड टू हैंडल सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें J&K में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई है एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स गेट ड्यू सिक्योरिटी व्हाट इज इंटेंडेड इज दैट द पार्टिसिपेशन शुड इंक्रीज in terms of the contesting candidates in terms of the campaigning in terms of participation in terms of sweep activities more of shikaras more of cycles more of rallies and we will provide equal I mean sufficient security to the candidates to sum up we are on a very happy note and a very what should I say After long gap, the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज है इस बार इस समय में अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है एप्पल का भी सीजन है जैस्मीन का भी सीजन है सेफ्रॉन का भी सीजन है शिकारा भी है ट्यूलिप भी है और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है और हरियाणा एज यू ऑल नो इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स ऑल दी एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन हैव डन प्राउड टू द नेशन इन ओलंपिक्स और ऑलमोस्ट इट्स ए नेशनल प्राइड इट्स ए सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड सूरजकुंड का मेला भी है पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है और ब्यूटिफुल राग एंड रागनी भी हैं हरियाणा में जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा ऐसी हमारी उम्मीद है वी मेड ए प्रॉमिस टू यू दैट ऑन 3rd of June व्हेन वी सेड वी लर्न टू थिंग्स सो वी मेड ए प्रॉमिस दैट वी विल कीप द इलेक्शन पीरियड शॉर्ट सो इन ट्रू स्पिरिट ऑफ कीपिंग दैट प्रॉमिस Now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period.